जी बेटा, 2019 क्वांट मॉक मॉर्निंग स्लॉट पार्ट टू। सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ो बेटा। द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। इफ अमला का इनकम अगर 100 है, ठीक है, इट इज 20% मोर देन बिमला। सो ओके, बिमला का अगर 100 है तो अमला का हो गया 120, और अगर उसका 100 है कमला का, तो इसका हो गया 80। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे तो 150, 120, 100 आ गया। ठीक है, कमला, अमला, बिमला। इफ केस इनकम गोज डाउन बाय 4% एंड बीज गोज अप बाय 10%, देन द परसेंटेज बाय विच केस इनकम वुड एक्सीड बीज इनकम इज नियरेस्ट टू 24/144 केस इनकम एक्सीड है ना सर, तो नीचे 144 नहीं आएगा? नहीं, सर अगर ये वाला कंफ्यूजन हो तो कैसे दूर करेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा? देखो, जिस से होता है ना एक्सीड दिस, ये बेस में आए, ठीक है, जो पीछे आ रहा है ना, जैसे ये तो आता कि भाई देन परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम इज लेस देन, जिससे है, जिसके कंपेटेबल है वो बेस में आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल परसेंटेज का क्वेश्चन है ना भाई, बेसिक। हाँ जी। नेक्स्ट। यस सर। इन अ रेस ऑफ थ्री हॉर्सेस द फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 100 मीटर 11 मीटर्स एंड द थर्ड बाय 90 मीटर्स। इफ द सेकंड बीट If second beat the third by 80 meters, what was the length in meters of the race course? लो, ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन किया हुआ है ना हमने, ए बीट बी, बी सी, ए बीट बी, तो फर्स्ट बीट सेकंड बाय 11, तो ये एक्स कर रहा है, तो ये एक्स माइनस 11 कर रहा है। यस सर। ठीक है, एंड थर्ड बाय 90 मीटर, ये एक्स माइनस 90 है, राइट? बोलो। यस सर। यस सर। अगर ये एक्स है तो एक्स माइनस ही 80 है। माइनस 80 है। बोलो। यस सर। यस सर। एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 90 रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 80। लिख गया? यस सर। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और थोड़ा सा आप सोच के भी कर सकते हो कि यार ये देखो, ये कितना है, गैप कितना है, 79। इधर गैप कितना है, 80। गैप तो सेम होना चाहिए, नहीं? तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 79, दिस बाय 80, करो मल्टीप्लाई, क्या आता है? 320 तो ये 6320 आएगा, ठीक है, और ये उसके अकॉर्डिंगली उससे कम आ जाएगा, ये उसकी कम आ जाएगा। आई थिंक दैट शुड बी द आंसर। 320 है क्या आंसर? ये एक ऊपर आ गया ना, 79 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गैप बराबर हो गया। एक मिनट, कर ही लेते हैं इसको। 79x
ये 79 मीटर से बीट कर रहा है ना, यस सर, और ये 80 मीटर से बीट कर रहा है. एक्स है तो एक्स माइनस 80 है. सेवेंटी नाइन कब रहेगा? हम पास में है, वी आर मिसिंग ऑन समथिंग. ये इक्वेशन को सॉल्व कर लें एक तो पहले, तो चलो इसी को सॉल्व करते हैं. हम कुछ पकड़ नहीं पा रहे, वी आर मिसिंग ऑन समथिंग. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 91x प्लस 880 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 905 x इक्वल टू 880 आ गया इसके हिसाब से तो. यस सर, 880 आएगा. ये 880 इज द आंसर. बस ठीक है, यहीं से कर लो. ठीक हो गया? यस सर. हम वैसे ही चक्कर में पड़ गए थे, इतनी जरूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. इफ A1 A2 आर इन AP, अच्छा सॉरी, AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, लेट P and Q be two points on the circle so that the length of PB is 6 centimeter. And the length of AP is twice that of AQ. AB diameter hai. Radius 5 centimeter hai. Aur P or Q two points a circle pe, PB ki length 6 centimeter hai. AP is twice AQ. Sir, AQ given nahi hai hamein. AP is twice AQ, na? Haan. AP is twice AQ. Theek hai. To Q bhi pucha hoga. To yes, sir. 100 minus 16, 84 ka under root kya hota hai? 9.1 होगा, 9.1 होता है, और 91 का स्क्वायर होता है 8261. ठीक है, 8281. तो ये ज्यादा पास में है, 9.1 इज द मोस्ट क्लोज. यस सर, 9.1. सिंपल पाइथागोरस लगी ना बेटा, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये 8 रह गया एपी. यस सर. तो ए क्यू आधा रह गया, ये 4 रह गया. अब ये निकाल दो भाई. यस सर. पाइथागोरस ट्रिपलेट से हो गया, तो बस ट्रिपलेट हो गया इस पे. ये अनरूट 84 विल बी 9.1 आएगा, 4√21. हां, 21 क्या होता है आपका? 4.5 नो, अप्रोक्सीमेटली. यस, 4.6 लगा लो. 4.6 तो खैर ज्यादा हो जाता है. अप्रोक्सीमेटली 9.2 से थोड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन कैन यूज थ्री डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स व्हिच मूव एट 10, 20 एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली.
To reach from A to B, A takes each mode of transport 1/3 of his total journey time, while B took mode of transport 1/3 of total distance. The percentage by which B's travel time exceeds A's travel time is nearest to. एक क्या पता करना है आपका 10 + 20 + 30 / 3 20 आ गई एक की एवरेज स्पीड एक की आ गई 10 × 20 × 30 × 3 / 200 + 600 + 300 ठीक है ये आ गया आपका 3600 18,000 डिवाइड बाय 11,000 अब इनकी रेशियो क्या होगी 180/11 आ गया ये मल्टीप्लाई होके 220 का रेशियो आ गया तो 9:11 आ गया ए बी से कितना इंक्रीज है 22% ज्यादा यस सर ठीक है अब इसको पता है क्या कर सकते हो ये तो मैंने फार्मूला से निकाल दिया You can assume distance to be 60 kilometer. ठीक है या तीनों ले लो 60 60 60 ठीक हो गया पहले वाले की तो 20 आ गई ना जब टाइम सेम है बोलो टीएसडी की पहली क्लास का क्वेश्चन है ये सर वो तो सिंपल एवरेज हाँ जी 20 आ गई ये जब डिस्टेंस सेम है 60 60 60 मान लिया इसको 6 घंटे लगे इसको लगे 3 इसको 80/11 आ गए ये इसकी स्पीड आ गई ये इसकी स्पीड आ गई इसकी रेशो टाइम की रेशो उल्टी हो जाएगी 180/11 / 20 सॉल्व कर लो 180/220 सॉल्व कर लो 9:11 इसको अगर 9 मिनट लग रहे हैं इसको 11 लग रहे हैं 2/9 एक्सीड कर रहे हैं ठीक है हाँ जी एक में तो सर डिस्टेंस वाली एवरेज निकालनी है एक में सिंपल बस यही तो है अब इस चीज को ही समझना है बेटा जो लोग रोते रहते हैं ना कैट नहीं होता ठीक है ये बताओ ये किस क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास है ना टीएसडी की क्योंकि टीएसडी जब एवरेज स्पीड और ये 2019 एक्चुअल क्वेश्चन है मैं नहीं बता रहा हूँ ये कि भाई अपनी तरफ से मैंने बता दिया आपको के है ना लॉली नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी एंड जी इन्वेस्ट मनी इन द रेशियो 3:4:5 इन एफडीज हैविंग रिस्पेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट्स इन द रेशियो 6:5:4 व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इनकम आफ्टर अ ईयर इफ बीज इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स एज बाय 250 If 2 is equal to 250, right? Gap 250 है ना? बोलो बेटा. Yes, sir. 58 कितना हो जाएगा? 250 × 29. Answer आ गया. ठीक है. बोलो भाई इफ एम एन एन आर इंटीजर्स सॉरी अ केमिस्ट मिक्सेस टू लिक्विड्स 1 and 2 1 liter ऑफ लिक्विड 1 वेज 1 kg एंड 1 liter ऑफ लिक्विड 2 वेज 800 ग्राम इफ हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर वेज 480 ग्राम
then the percentage of liquid one in the mixture in terms of volume is 960 होगा किलो, एक किलो वे करेगा. इससे आसान मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन बन सकता है क्या? बोलो. बोलो तो, मिक्सचर एलिगेशन का बेस ही है ना ये कोई. यस सर. हाँ जी सर. ये भाई आधा किलो 480 है तो एक किलो 960 हो जाएगा. आधा लीटर, एक लीटर 960. ये 1000 ग्राम होता है, ये 800 ग्राम होता है. इनका रेशियो निकाल लो, 4:1. ये 80% आ गए, ये 20% आ गए. Let x and y be positive real numbers such that log 5 x plus y is equal to log 5 x minus y equals to 3 and log 2 y minus log 2 x equals to 1 minus log 23. Then x y equals to. ये मेरे को 2 base 3 लग रहा है शायद. एक सेकेंड सर, वेरीफाई कर देते हैं. ये log 5 इकट्ठा हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x square minus y square is equal to 3. हाँ सर, ये log base 2 3. x square minus y square is equal to 125. ठीक है. log y upon x is equal to क्या है? log log base 2 3. ये ऐसे है ना? Yes sir. So this can be written as log 2 base 2. ठीक हो गया. इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया. अब x और y की वैल्यू बतानी है. जब वैसे तो देखो x y 6 का मल्टीपल होगा, ये बन सकता है आंसर. ठीक है, बोलो. हाँ जी. ठीक हो गया? नहीं, क्या क्या आगे? 15 और 10 तो नहीं आगे कहीं? Yes sir. हो गया क्वेश्चन. यहाँ से पुट भी कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो. मैंने तो ये किया, अभी एक्स वाई 6 का मल्टीपल आएगा, यही आंसर है जो 6 का मल्टीपल है. बोलो, मजा आयो? भाई कोई रॉकेट साइंस तो नहीं की हमने? क्या किया मैंने? सिंपल लिख लिया. इसको लिख सकते हैं ना, ये तो लॉग ए प्लस लॉग इक्वल टू लॉग ए बी. नो यस सर. माइनस होगा तो लॉग ए बटा बी आ जाएगा. बस दो ही प्रॉपर्टी, बेसिक दोनों प्रॉपर्टी यूज की है लॉग की. तो 15 माइनस 10 कैसा है? यहां से दो इक्वेशन आ गई. यस सर. अब ये जो दो इक्वेशन आई, इससे हमें देखना है कि भाई मेरी एक्स वाई की क्या वैल्यू हो सकती है. ठीक है, या तो पुट कर दें यहाँ पे. ठीक हो गया? यस. क्वाड्रेटिक बन जाएगी. नहीं, मैंने हिट एंड ट्रायल से कर लिया. मैंने देखा कि भाई 3y इज इक्वल टू 2x. यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा. वहां से भी आ जाएगा. यस. Let S be the set of all points x y in the x y plane such that mod of x plus mod of y is less than equal to 2 and mod of x is greater than equal to 1. देखो, then ये वाला मैंने कराया हुआ है. पहले ये देखो, equal to 2 भी कराया, less than equal to 2 भी कराया, greater than equal to 2 भी कराया. ये बनता है ना इसका? बोलो. यस सर. यस सर. 2.0 आ गया.
ये माइनस टू कॉमा जीरो आ गया और ये जीरो कॉमा टू जीरो कॉमा माइनस टू, ठीक हो गया? यस सर। अच्छा इसका एरिया कितना आएगा, फोर आएगा? यस सर आएगा, एट एट टू ए स्क्वायर होता है। कितनी बार कराया ये मैंने आपको क्वेश्चन, याद है नहीं याद है? खाली ये वाला देखो, ऊपर वाला, नीचे वाला बाद में करेंगे। बोलो ये एरिया बना नहीं बना? Yes, sir. क्या बन गया? ये एरिया एट आ गया। अब इसमें से ये क्या कह रहा है, x mod greater x is equal to 1, क्या होगा ये होगा x is equal to minus 1, ये होगा, ठीक है? तो x greater than 1 है तो मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्लियर हो गया? yes, तो कितना आएगा ये वाला पोर्शन, ये 1 है, 1 तो ये भी 1 हो गया। यस सर। 1 1 एरिया हाफ, 4 है, 2 एरिया आ गया, 2 आंसर क्या? यस सर। अगर ये बीच वाले का पूछा होता मतलब ये लेस देन हो जाता, x mod less than 1 हो जाता, तो फिर ये अंदर वाला एरिया आ जाता। ये 6 आ जाता, ठीक हो गया? यस सर। अब समझो यार, मैंने बताया था ना कैट लपेटा लपेटी करता है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है ये। यस, तो उसने ये चीज नहीं ऐड कर दी। अब मैं अगले साल क्या करता हूं, लो मैं कह देता हूं x प्लस वाई, ठीक है, नहीं नहीं x इज ग्रेटर देन y, ठीक है भाई, ये वाला आ गया, x इज इक्वल टू y है ये, बोलो ये yes, x आ गया, ये x greater than y आ गया, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक हो गया? वो वाला तो था ही ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of solutions of the equation mod of x into 6x square plus 1 equals to 5x square. Next, इस क्वेश्चन पे सबसे पहले तो इमीडिएटली निकल रहा है भाई, क्विकली निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना, मॉड आ गया, कुछ भी हो सकता है, मॉड में पंगा पड़ जाता होता है, पर मॉड का फंडा हमें पता है, क्या होता है फंडा मॉड का, इफ इट इज एक्स ग्रेटर देन जीरो यू टेक इट प्लस एक्स, एक्स लेस देन जीरो यू टेक इट एज, ठीक हो गया? बोलो। यस सर। दिस इज व्हाट वी डू इट इन लॉग, नो लॉग में और कुछ करना ही नहीं है। नथिंग टू, सॉरी मॉड में कुछ नहीं करना है, तो लिखो इसको, ये आ गया आपका एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x², व्हाट इट विल बी 6x³ माइनस 5x² प्लस x इज इक्वल टू 0, राइट, x कॉमन ले लिया, 6x² माइनस 5x फ्रॉम x ये शिफ्ट कर देते हैं जी,
एक्स हम सर दूसरी साइड ही शिफ्ट कर रहे थे, वो काट कट जाता। नहीं बेटा एक्स नहीं कट कर सकते होते ऐसे, एक्स ऐसे कट करेंगे तो एक्स जीरो हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके ठीक है, तो यहाँ से आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से फैक्टर बनाओ, प्लस माइनस फाइव माइनस बी माइनस थ्री माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ट्वेंटी माइनस पच्चीस माइनस चौबीस राइट अपॉन बारह। तो ये आ गया वन बाय थ्री एंड वन बाय टू। बोलो यस सर। तो ये सारे ग्रेटर देन जीरो है, तो ये तीन सॉल्यूशन तो ये आ गए। अब इधर देखो, अगर ये माइनस होता तो क्या होता, माइनस होता तो क्या होता, माइनस एक्स इंटू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लिया, क्या आ गया, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन। अब देखो यहाँ पे एक तो x इज इक्वल टू जीरो आ गया, वो तो कॉमन ही आ गया। यस सर। दूसरा क्या बनेगा, वही बन नहीं, वही नहीं बनेगा बेटा, माइनस प्लस का चक्कर आएगा, टाइम चेंज होएगा सर, एक्स एक्स माइनस एक्स वाला बनेगा ये, तो माइनस वन और एक और नहीं, वो तो वही रहेगा। देखो क्या आएगा, इसके रूट्स क्या जाएंगे, माइनस फाइव प्लस माइनस सर माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस वन आ जाएगा ना, अंडर रूट डिवाइड बाय सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस वन। ये आ गया माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू, ठीक हो गया, नहीं माइनस टू एंड प्लस, ये एक बारह हो गया ना, ये फोर्टी नाइन बनता है ना रूट फोर्टी नाइन, माइनस वन बाय सिक्स आ रहा होगा, चलो कुछ भी आ रहा है, एक माइनस टू आ रहा है, एक प्लस वन बाय टू आ रहा है, वन बाय सिक्स आ रहा है, चलो ये आगे ठीक है। माइनस बी स्क्वायर माइनस सर सॉल्व क्यों कर रहे हो, सिक्स एक्स माइनस एक्स से रूट्स नहीं बन जाएंगे, वही तो बना रहा हूँ मैं, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई करके सिक्स आ रहा है और एड करके फाइव आ रहा है, ऐसे बना लो, मैं वो सोच रहा था कि उसमें नाम बनाने पड़े रूट से, चलो बना देते हैं, यहाँ भी तो आ रहे हैं माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सात और पांच बारह हो गया, एक माइनस हो गया, एक वन बाय सिक्स आ गया, एक टू आ गया, क्या रहा है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स नहीं यही लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो चार रूट्स आ गए, इज द आंसर फोर, आंसर चार है क्या, चार आ गया नहीं आ गया, पांच है सर इसका आंसर, गलत भी हो सकता है बुक में, पांच कैसे हो जाएगा बेटा, जीरो तो एक ही है ना, दो थोड़ी ना है जीरो,
जीरो वाले दो रूट थोड़ी मानेंगे हम सर, पर इसने नेगेटिव वाले के लिए भी कहा मना किया है सर, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है ना, तो नेगेटिव वाला क्यों लेंगे वो, जब हम तब ले रहे हैं ना, जब मॉड ले रहे हैं एक्स नेगेटिव है तभी तो वो ले रहे हैं, तो एक्स टू वन बाई सिक्स आ गया, दैट कैन नॉट बी सॉल्यूशन नो सर, अगर हम माइनस वन डालेंगे तो सारी जगह ही हट जाएगा ना, क्योंकि माइनस वन से मॉड वन कर देगा, एक्स स्क्वायर वन को प्लस कर देगा, एक्स स्क्वायर वहां पे भी वन को प्लस कर देगा, तो माइनस वन तो आ रहा है, वन बाय सिक्स नहीं आ रहा ना। अच्छा वो तो पॉजिटिव का आ रहा है ना, एक नेगेटिव का आ रहा है, एक पॉजिटिव का आ रहा है, नेगेटिव वाला तो ठीक। फिर हम एक को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, वन बाय सिक्स क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन वन बाय, एक्स इज लेस देन वन बाय सिक्स नो, एक्स इज लेस देन जीरो नो, सेकेंड कंडीशन जब ली थी ये वाली। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, तो चार ही आना चाहिए सर फिर तो। चार आ रहे हैं, क्या आंसर क्या दिया हुआ है सर, पांच दिया हुआ है, पांच दिया हुआ है आंसर तो सर, पांच कैसे दिया? जीरो एक ही बार काउंट होगी, दो बार थोड़ी काउंट होगी जीरो, जीरो वन बाय टू वन बाय थ्री सर, इसके ना जो कौन सी इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन से तीन रूट्स आ रहे हैं सर, जीरो माइनस वन बाय थ्री माइनस वन बाय टू और एक वन बाय टू और वन बाय थ्री, फिर हमने इक्वेशन गलत लिख ली होगी कुछ। यस सर, क्योंकि जो वो वाली रूट है ना जिसके हमारे वो आ रहे हैं माइनस वन और वन बाय सिक्स, इसके माइनस वन बाय थ्री और माइनस वन बाय टू आ रहे हैं रूट्स। यस सर, ये फिर हमने गलत लिख ली होगी ना इक्वेशन सर, वो प्लस एक्स ही आएगा इक्वेशन में, आई थिंक वो एक माइनस में ले लिया है। हाँ यहाँ प्लस आना चाहिए था, यहाँ प्लस आना चाहिए, ठीक है, यो ठीक हो गया, यहाँ प्लस आना चाहिए था, ठीक हो गया भाई। यस सर, यस सर, पांच ही आएंगे, जीरो कॉमन रूट आ गया, तीन उसके और एक निकल गया, आयो बट फंडा तो समझ में आ गया ना आपको। यस सर, यस सर, देखो लोग देख के मॉड देख के लोग घबरा जाते हैं, मैंने बताया अभी मॉड में लॉग में क्या करना है, एक प्लस ले लेना है, एक माइनस, माइनस Three men and eight machines can finish a job in half the time taken by three machines and eight men to finish the same job. If two machines can finish the job in 13 days, then how many men can finish the job in 13 days? Two machines can finish the job in 13 days. So, eight machines plus three men. यही है ना? Yes, sir. Time taken by three men, eight machines finish the half time. So, आठ मशीन और तीन आदमी इसके डबल के बराबर हैं। नहीं, थ्री एट मैन और थ्री मशीन्स इसके डबल के बराबर है, तो थ्री एम प्लस एट एम इज इक्वल टू सिक्सटीन एम प्लस सिक्स एम, तो टू एम इज इक्वल टू थर्टीन एम, मतलब दो मशीन तेरह बंदों के बराबर है, ठीक है? Yes. हाँ जी। ये कह रहा है कि भी दो मशीन तेरह दिन ले रही हैं, ठीक है? बोलो। Yes, sir. दो मशीन के बंदे कितने आएंगे? तेरह बंदे भी तेरह ही दिन लेंगे। Yes, sir. तेरह दिन में कितने बंदे करेंगे? तेरह। यही आंसर है क्या? Yes, sir. टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा मशीन और मैन में घुमाया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
the product of distinct roots of mod x square minus x minus 6 equals to x plus 2 is product of distinct roots. Iske sabhi roots ka product kya hoga? ये मॉड लेना है. इसका ग्राफ क्या बनता होता है? ये क्या बन गया? x माइनस थ्री जरूरत है सर बनाने की. x प्लस टू एक मिनट मॉड इज इक्वल टू x प्लस टू नो कुछ तो करने ही रूट तो लेनी पड़ेंगे ना. या इसको सिंपल लो एक मिनट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. और दूसरा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस सिक्स माइनस एक्स माइनस टू. x square minus plus minus 2 x is equal to 2 x is equal to minus 2 ठीक है. तो यहां पे हमने लिया यहां पे लिया x minus 3 x minus 2 greater than 0 x माइनस थ्री एक्स माइनस टू लेस देन जीरो. जब लेस देन जीरो होता है तो टू और थ्री के बीच में होता है ठीक है. जब ग्रेटर देन टू होता है तो टू और थ्री के परे होता है. तो व्हाट आर द रूट्स? माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर फोर प्लस 32 अपॉन टू. तो प्लस सिक्स बाय टू टू माइनस सिक्स बाय टू तो फोर एंड यहीं से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स माइनस एट फोर एक्स स्क्वायर फोर फोर एंड माइनस टू. यस माइनस टू कॉमन आ गया. माइनस टू नहीं लेंगे बेटा कॉमन नहीं ले सकते माइनस टू. यहाँ से फोर ले लिया यहाँ से माइनस टू ले लिया माइनस एट आंसर आया. हाँ आप बोलो क्या बोल रहे थे बेटा? मैं यही कह रही थी सर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं. वो तो मैं वैसे देख रहा था क्या बनेगा ठीक है. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ठीक है. इसमें सारा अलजेब्रा निचोड़ के आ गया पर है सर माइनस 16 आएगा. हाँ जी बेटा माइनस 16 आएगा आंसर. क्यों बोलो बोलो क्यों? ये हमारे रूट हमने ठीक नहीं बनाए हमने. अरे यार प्लस माइनस रूट होगा सॉरी ये प्लस थ्री नहीं माइनस थ्री प्लस टू. ये हमने रूट गलत बना लिए इक्वेशन गलत बना लिए. एक मिनट दोबारा करता हूं मैं. हमने इक्वेशन गलत बना ली. x माइनस थ्री एक्स प्लस टू आएगी है ना. यही बनेगा ना. यस सर. तो माइनस टू और थ्री के बाहर और माइनस टू और थ्री के अंदर. जब इसके बाहर होगा तो इसके रूट क्या आ रहे थे हमारे? फोर एंड माइनस टू आ रहे हैं. माइनस टू सर. कौन से आ रहे थे? टू माइनस टू. टू एंड माइनस टू सारे रखने वाले हैं. सारे रखने वाले हैं तो फोर टू एंड माइनस टू माइनस सिक्सटी. ये तो कॉमन हो गया ना ये वाला रूट तो माइनस टू तो. यस सर. ऑप्शन भी नहीं है सर और कोई गलती भी नहीं करता. चलो
The wheels of bicycles A and B have the radii 30 centimeter and 40 centimeter, certain distance, respectively. While traveling a certain distance, each wheel of A required 5,000 more revolutions than each wheel of B. If bicycle B traveled the distance in 45 minutes, then its speeds in kilometer per hour was. So, 40 वाला 40 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 30 वाला 30 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है? अगर डिस्टेंस ही कोला तो ये 4 रेवोल्यूशन लगाएगा, ये 3 लगाएगा, ठीक हो गया? तो इसकी 20,000 रेवोल्यूशन होगी, इसकी 15,000 होगी, हाँ जी, मतलब 3 30 वाले की, ठीक है? बी वाले का डिस्टेंस कितना हो गया? 40. खैर दोनों का डिस्टेंस सेम ही आएगा, स्पीड तो दोनों की सेम आएगी. 2 पाई आर, 2 इंटू 40 इंटू पाई, ये क्या हो गया मेरा, एक एक रेवोल्यूशन का गुना 15,000, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाय 45 मिनट, ठीक है? अब इसने केएमपीएच में बोला है, तो ये सेंटीमीटर है ना? Yes, sir. तो सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 100 से, मीटर आ गया, और एक और से डिवाइड कर देंगे, किलोमीटर आ गया. Yes, sir. 45 को डिवाइड कर देंगे 60 से, क्या आ गया? 3/4 आर्स आ गए. ओके, तो ये 3 0 3 0 से कट गई, और ये आपका इनटू 60 ऊपर जाके हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है? ये घट गया 5 पे, 5 का 20, 20 का 5, ये 8, 16 पाई आंसर आ गया. यस सर. खैर दोनों की स्पीड तो सेम ही आएगी, अलग अलग आएगी, दोनों साइकिल की स्पीड तो सेम आएगी ना. Next question. Consider a function f of x plus y equals to f of x f of y. Then x and y are positive integers where f of 1 equals to 2. If f of a plus 1 plus f of a plus 2 plus f of a plus n equals to 16 to raise power n minus 1, then a is equal to. देखो भाई, f of a equal to 0 ले लो. A 0 ले लिया हमने. Yes. एक मिनट, ये कह रहे f of 0 plus 1 is equal to f 0 plus f 1, no? ये बोल रहे है? F of 2 is equal to f of 1 plus f of 1? आया ना? ये नहीं होगा, क्योंकि x positive integers हैं. F of 2 will be equal to this. So f of 2 is equal to 4, f of 3 is equal to f of 1 plus f of 2, 6 आ गया f of, ठीक है? बोलो भाई साहब. Yes sir. F of 4 क्या हो गया? F of 2 plus f of 2 is equal to 4. ये तो सीधा सीधा चल रहा है, नहीं, इज इक्वल टू 8, डबल आ रहा है ये. तो ये कह रहा है कि इन सभी का सम 16 इंटू 2 रेस टू पर एन माइनस 1 आ रहा है, ठीक है? ये तो आएगा ही आएगा, 16 हो गया, तो ए मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक हो गया जी? देखो 4 प्लस 8 प्लस 16, नहीं बनी बात, कुछ तो गड़बड़ है. ए को अगर एफ ए प्लस वन, एक मिनट इसको खोल लो,
क्या आ गया सर? जो सम है ना वो f of x into f of y है, हमने जो फंक्शन लिखा था ना उसमें प्लस कर दिया था। ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई सर ये तो हम गड़बड़ कर गए ना। तो ये आ गया f of a into f of 1, ठीक है, प्लस f of a into f of 2, f of a कॉमन आ गया into f of 1 plus f of 2 plus f of 3 up to f of n is equal to 16 into 2 raised to power n minus 1, right? Clear ho gaya? To fir se bata do ek baar. Ye dekho na, humne x y ko multiply karke likh sakte hain na, to jo ye plus wala isko multiply karke likh liya। अब इसमें से कॉमन ले लिया हमने, ओके एफ वन से लेके एफ एन तक का सम हो गया। हाँ जी, एफ वन टू है, ठीक है, ये फोर हो गया। हाँ जी, ये मेरा हो गया एट टू रेस टू पावर एन हो गया। देखो ना, एफ वन इज इक्वल टू टू, व्हाट इज एफ टू इज इक्वल टू F1 into F1, yes sir, F3 is equal to F2 into F1, 2 raised to 3 है ना? हाँ जी हाँ जी, okay, ठीक हो गया? हाँ जी हाँ। इसका सम क्या होता है? इसमें से टू कॉमन ले लो, कैन वी टेक टू कॉमन फ्रॉम हियर, वन प्लस टू प्लस फोर अप टू टू रेस्ट पर एन माइनस वन इंटू एफ ए। इसका सम जो होता है ना, ये होता है, क्या होता है इसका सम? टू रेस्ट टू पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू एफ ए is equal to 16 into 2 raised to power n minus 1, ये कट गया, तो FA into 2 is equal to 16 और FA is equal to 8, A 3 आ गया, 3 तो नहीं आंसर है कहीं? शायद यही है सर, सर 3 है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ से ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आया देख लो पहले, सबसे पहले भाई F1 टू है, F2 क्या हो गया? F1 into F1, which 2 raised to power 2, F3 क्या हो गया? 2 raised to power 3 और Fn is equal to 2 raised to power n, yes no? Yes sir, yes sir। अब ये वाला उसने हमसे पूछा है कि भाई ये क्या होगा, तो हम कहते हैं कि एफ ए प्लस वन, इसको हमने एफ ए इंटू एफ वन लिख लिया खोल के, ऐसी एफ ए प्लस एफ एन हो गया इंटू एफ एन, एफ ए इसमें से कॉमन ले लिया, राइट? एफ एन आ गया, ये हमें पता है क्या है, ये टू प्लस टू रेस टू पर वन प्लस टू रेस टू पर टू एफ टू टू रेस टू पर एन माइनस, बोलो सॉरी, एफ ए इज इक्वल टू 16 इंटू टू रेस्ट पर एन माइनस वन। इसका सम जो होता है, ये होता है टू रेस्ट पर एन, टू कॉमन ले लो, टू रेस्ट पर एन माइनस वन होता है, तो एफ ए इज इक्वल टू 8 आ गया, 8 कब आता है? 3 पे आता है। लास्ट क्वेश्चन, R and G are among 22 students who write an examination. R scores 82.5. The average score of 21 students over the Gautam is 62. The average score of all the 22 students is one more than the average score of 21 students other than Ramesh. The score of Gautam is. So, iska 82.5 hai Ramesh ka. ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि
वन मोर देन द एवरेज ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश. अगर रमेश को निकाल दें ठीक है तो एवरेज कितनी हो जाती है 21 लोगों की 82.5 + 20 पड़ जाती है एक वन डाउन हो जाती है नहीं मोर हो जाती है मतलब रमेश को लेने से एवरेज 22 बच्चों की एक बढ़ जाती है यही कह रहे हैं ना मतलब बिना रमेश के जो एवरेज है 21 की और विद रमेश जो एवरेज है वो एक ज्यादा है यही तो कह रहा है तो अगर रमेश उतना ही लेके आता जितना सब होते हैं तो कुछ नहीं फर्क पड़ता तो रमेश 22 ज्यादा है एवरेज से तो एवरेज कम्स आउट टू बी 60.5 ऑफ हूम ऑफ 20 और 22 की होगी 61.5 ठीक है. अब एवरेज ऑफ एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम इज 62 है. अब गौतम को छोड़ दो मतलब 61.5 एवरेज है अगर गौतम को निकाल दें तो एवरेज 62 हो जाती है मतलब वो 0.5 सभी के लिए छोड़ के जा रहा है 0.5 into 21 कम है 20 बंदों के लिए 0.5 छोड़ के जा रहा है तो मतलब 10.5 कम है वो इससे 51 आएगा 51.5 बेटा पूरा आ जाएगा ना 0.5 से 0.5 होगा है आंसर यही है ठीक सर आंसर 51 ही है यस सर 51 है चलो जी बाय बाय फॉर टुडे सी यू टुमारो कल फिर मिलेंगे कल पूरा पेपर 2019 हाफ पेपर 2019 इवनिंग स्लॉट करेंगे ठीक है थैंक यू सर यस सर टाइम मिला तो पूरा भी कर लेंगे हाँ ओके बाय बाय ओके पहले मैंने कराया तो नहीं हुआ 2019 नहीं 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 सर चलो ठीक है ओके ओके सर ओके